नमस्ते दोस्तों, आजकल हम मार्केट में अगर स्पीकर लेने जाएं तो हमें एक अगर लाइटिंग वाला या ऑडियो लेवल इंडिकेटर जिसमें लाइटिंग लगी हो, एलईडी हो, वो स्पीकर दिखाया जाए। साथ ही साथ हमें अगर कोई दूसरा स्पीकर दिखाया जाए, भले ही वो बिना लाइटिंग वाला बजने में अच्छा हो, लेकिन हम वही लेना चाहेंगे जिसमें लाइटिंग हो या जिसमें अच्छे कलर की लाइटिंग के साथ साथ जिसका लुक अच्छा हो। क्योंकि आजकल हमारे लाइफ में कुछ म्यूजिक और कलर्स का एक तरीके का कनेक्शन सा हो गया है, इसलिए ज़्यादातर लोग डीजे वगैरह इनके साथ भी लाइटिंग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर जो नॉर्मल सा होम थिएटर या स्पीकर हैं उसके साथ में एलईडी लाइट्स लगा सकेंगे, जो कि आपके ऑडियो के साथ उसका लेवल इंडिकेट करने के साथ साथ एक तरीके की डांसिंग लाइट की तरह काम करेगी। इसमें आप अपने मर्जी से कुछ भी, जो भी कलर चाहें एलईडी का, वो यूज़ कर सकेंगे। ये मेरे पास ग्रीन कलर की एलईडी हैं। ये वॉल्यूम के साथ काम करती हैं। अगर इसका वॉल्यूम कम करेंगे तो ये कम होगी, तेज करने पर तेज होगी। ये कुछ इस तरीके से ऑडियो के साथ लाइट इंडिकेट करती हैं। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से काम करेगी। और इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से हैं। अब इसे बंद कर देते हैं, आपको इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। हमें एक आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो LM3915 आईसी है, जिसमें हमारे 18 पॉइंट्स होते हैं, 9 9 दोनों तरफ। और एक चाहिए होगा हमें 1K का रेजिस्टेंस, और एक चाहिए होगा हमें 12K का रेजिस्टेंस, और एक 50K का पोटेंशियोमीटर, और एक कैपेसिटर जिसे हम 47 μA 100 वोल्ट का ले लेंगे। और हमें 10 चाहिए होगी एलईडी 3 वोल्ट की। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी आईसी हो गई, जिसके दोनों तरफ 9 9 पॉइंट हैं। ये इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, और ये इसका पॉइंट नंबर 18। तो हमें जो एलईडी लगानी शुरू करनी है वो इस फर्स्ट पॉइंट से हमारी फर्स्ट एलईडी आएगी, और बाकी कंटिन्यू ऐसे 18 17 16 इस तरीके से यहाँ तक लगेगी। तो 9 पॉइंट ये और 10वीं एलईडी ये टोटल 10 एलईडी हमारे इस पर लग जाएगी। हमें इनके साथ जो एलईडी का पॉइंट कनेक्शन करना है वो नेगेटिव पॉइंट होगा एलईडी का इन सब के साथ, और पॉजिटिव सारा एक साथ कनेक्ट करना है। ये कुछ इस तरीके से हमारी सारी एलईडी लग जाएगी इसके साथ में। इसका नेगेटिव पॉइंट आईसी के साथ कनेक्ट है, साथ ही पॉजिटिव सारे के सारे हमने एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और अभी जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है, ये और ये फोर्थ वाला, इन्हें हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा सेकंड और फोर्थ एक साथ कनेक्ट हो गया है, और हमारा ये वाला पॉजिटिव पॉइंट होगा। साथ ही साथ हमने जो एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट निकाले हैं वो भी इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। और इसमें ये थर्ड पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पॉजिटिव कनेक्ट्स हो गए हैं। अभी जो इसका 5 पॉइंट है, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, जो हमारे एम्पलीफायर से स्पीकर का आउटपुट निकलता है उसमें जो पॉजिटिव लेग होती हैं वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम इस 6 7 को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 12K होगी। और साथ ही साथ हम इस इनपुट वाले पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे 1K का, और इसके रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ से हम इनपुट देंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है 8 वाला, इसे हम
एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके का पोटेंशियोमीटर होगा। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला, उसके बीच में हम कैपेसिटर लगाएंगे। और जो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला होगा पॉइंट, वो हमारे इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट होगा। और जो इस तरफ वाला सिरा है वो हमारे इस सेकंड और फोर्थ वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमें इसमें सप्लाई देनी है, तो सप्लाई देने के लिए ये पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट हमारे नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे इसमें। और जो इनपुट देना है हमें वो यहाँ से, और ग्राउंड हम यहीं से ले लेंगे जहाँ पर हमारा नेगेटिव है। तो ये हमने इनपुट यहाँ पर ले आया है, यहाँ से हम इनपुट दे देंगे। जो एम्पलीफायर में हमारा जो स्पीकर लगता है उसके जो दो टर्मिनल होते हैं उनके साथ हम इनका कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ से हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक पावर दे सकते हैं। तो जब भी हमारे स्पीकर बजेगा तो साथ ही साथ ये एलईडी, ये जो हमने 10 एलईडी लगाई हैं, ये भी उसके साथ डांस करेगी, या आप कह सकते हैं इसका ऑडियो लेवल इंडिकेट करेगी। जितना तेज़ हम स्पीकर बजाएंगे उतनी तेज़ ये एलईडी लगेगी एक लाइन की तरह, जिसमें ये ऊपर वाली हम चाहें तो रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे स्पीकर में बहुत ज़्यादा पावर आ रहा होगा या सबसे हाई लेवल पर होगा तब ये जलेगी। तो ये यहाँ से शुरू होती हैं, एक नंबर दो नंबर, हम जितना ऑडियो इंक्रीज़ करेंगे उतनी ये ज़्यादा एलईडी काउंट होते हुए जलेगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको सर्किट बताया उसी तरीके से मैंने ये बनाया है, जैसा आपने देखा इससे पहले हमने चलाया था। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट सोल्डर करके बना दिया, आप चाहें तो इसकी पीसीबी तैयार करके भी इसे बना सकते हैं प्रोफेशनल ढंग से। तो दोस्तों, ये चीज़ अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।